का हाल बरवा सभी के स्वागत में हमने के चौथा ब्लॉग में आशा करते हैं रवा सभी ठीक हो कब। तो जैसे कि रवा सभी के पता बा आज राम जी के प्राण प्रतिष्ठा बा अयोध्या में, तो हमने के निकल गए बनीसा अपना गली के। सबसे पहले हनुमान जी से आशीर्वाद ले हम सन, ओकरा बाद निकले के बाद हमने के कहीं और। तो ई रहल गली के नजारा और ई रानी हमने के हनुमान जी मतलब हमने के सोसाइटी वाला मंदिर। तो यहाँ आइला के बाद मंदिर के थोड़ा आशीर्वाद लेनी है सन, प्रसाद ग्रहण करनी है सन। अब यहाँ आइले थोड़ा सा जयकारा लगनी है सन प्रभु श्री राम के। जय जय श्री राम। तो हमने के वहाँ से जयकारा लगाने के बाद निकल गए नहीं सन। बाहर आइला के बाद देखा था ऐसा कि पूरा रोड एकदम भगवा रंग से जगमगा उठल बा, एकदम चारों ओर जय श्री राम के ही नारा गुजरता। तो हमने के लगभग पहुँच ही चुकल बानी सर। रास्ते में एगो मंदिर पड़ेला राधे कृष्ण के, वहाँ भी एकदम भगवा भगवान ही रह रख। तो अब हमने के पहुँच गए बनी सर जहाँ हमने के मैक भैया अमित भैया बुलेले रख लोग चौक पर। ये देखी चौक के नज़ारा काफ़ी अच्छा बा, पूरा भगवा ये जो भंडारा बा अमित भैया मैक भैया द्वारा आयोजित कर गए बा। और यहाँ पे अला के बाद हमने के भी थोड़ा उन लोग के साथ मिल के बम फोड़नी है सन, मस्ती करनी है सन और जय श्री राम किनारा खूबे लगनी है सन। तो गर्व से कहीं हम हिंदू बानी सनातन बानी, तो राम जी खाती जात ला जौन झांकी निकले आला बा रथ, यही पर राम सवार जो हुई हमने के और झांकी निकली। तो यहाँ हमने के मस्ती उस्ती कैला के बाद अमित भैया से बैंक भैया थोड़ा बात विचार भैल है। तो उन लोग कलक कलक चले गए झांकी निकले के बेरा, तो हमने कहे से ना भी हमने के कहीं और भी जाए के बाद। तो कलन कहाँ जी बोलो, तो हमने के घूमे जाए के बाद बैकुंठपुर धाम जौन पड़ेला भिलाई केबिन टू के तरफ। तो हमने के ऑटो लेके निकल गए नहीं सन बैकुंठपुर धाम के तरफ। तो रास्ते में एक और दूसरा झांकी दिखल हमने के, मतलब राम जी के जुलूस जौन कहल जाला। तो हमने के ओकरा अपना फ्रेम में कैद करनी है सन। एक सहारे हमने के पहुँच गए सर बैकुंठपुर धाम। तो चलिए अब बैकुंठपुर धाम हमने के इंटर कर जाओ। तो बैकुंठपुर धाम में काफ़ी अच्छा मेला वगैरह लागल बा, यहाँ संस्कृति कार्यक्रम भी बा। सबसे पहले हमने के मंदिर में चल जाओ और दर्शन कर जाओ की कर बैकुंठ। तो बैकुंठ कौन है, तो हमारे महादेव का दूसरा नाम बैकुंठ है, ये रहा हमारा बैकुंठपुर धाम। तो एंट्री करते ही मतलब प्रवेश करते ही हम लोग देखते हैं कि श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो हम लोग भी इसी भीड़ में घुल मिल जाते हैं और दर्शन करने के लिए भावुक हो जाते हैं। इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं बैकुंठपुर धाम। आगल बनी सा बैकुंठ धाम, ये देखिए हमने के पीछे का नजारा। तो सबसे पहले दर्शन वाला हमने के काल भैरव के, जिकरा के हमने के नमन प्रणाम करके आगे बढ़ गए नहीं सन। आगे बढ़ते ही आगे वाला मंदिर में हमने के देखी महाकाल मिलेलन। महाकाल माता पार्वती के साथ विराजमान रहनी है और हमने के इनका के भी नमन करके आगे बढ़ गए सर। आगे हमने के बहुत ही जिकर सबसे मतलब फेवरेट कहल जाला हनुमान जी से दर्शन भैला। तो हनुमान जी के हमने के आशीर्वाद देवे ला फटाफट आगे बढ़ गए नहीं सन। और एकरे साथ हमने के जूता मोजा अपन खोल खाल के चल गए नहीं सन ऊपर। तो ऊपर गए के बाद आशीर्वाद लेनी है सन, तनि प्रार्थना में कहनी है सन। अब भगवान लगे तो सब कोई मांगे जाता, तनि हमू मांग लेनी है कुछ कुछ। अब बताए ना क्या मांगनी है। तो एकरे साथ हमने के प्रणाम करनी है सन और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ला के बाद हमने के दर्शन भैला माता जी से, यानी हमारी दुर्गा माँ से। तो जय माता दी हम लोग बोल के अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर की तरफ बढ़ने के साथ यहाँ पे भी हम लोगों ने तो यहाँ दुर्गा माँ के प्रणाम करके गोड़ ला के हमने के आगे बढ़ गए। आगे हमने के गनी है सन महाकाल का लगे। महाकाल के ऊपर गैला के बाद हमने यहाँ पे भी प्रार्थना करनी है सन, यहाँ भी कुछ मांगनी है सन। आखिर हमने के तब भगवान के ही ना कुछ बानी सन, तो हमने के भीख उख मंगनी है सन जौन भी। अब यहाँ हमने के साक्षात दर्शन हो गए नंदी महाराज के। नंदी महाराज के भी नमन करके हमने के आगे बढ़ गए सन। और ये देखी मंदिर के अंदर के नज़ारा और ये रहा बाहर के नज़ारा। बाहर के भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत रहा, अंदर के नज़ारा तो वह सब देखबे करनी। मंदिर के पास में एक तालाब रहा जहाँ देखी राम नाम के दीपक से जय श्री राम लिखल जाता लख, एक प्रज्वलित कर जाए। अब ई देखी हमने के आतिशबाजी कल जाता, एकदम मोहल्ला लागत एकदम आज दिवाली आयल बा। तो एक साथ हमने के निकल गए सब मंदिर से। अब चल जाओ हमने के मेला घूमल जाओ। मेला बढ़ रहा था हमने के
काफी टाइम लगा लग घूमे में। एक साथ हमनी के घूम के पहुंच गई सन वहाँ जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता लग। यहाँ अला के बाद पता क्या चला था कि कार्यक्रम होकर में अभी टाइम बा, हमनी के बहुत पहले ही पहुंच चुकल बनी जा। तो यहाँ कार्यक्रम जौन बा तो वृंदावन से कान्हा महाराज जी आल बनी कथा कहेला, मतलब कथा सुनावेला। तो ई रहल हमनी के वृंदावन के आयल कान्हा महाराज जी। अब चले का हमनी के इनकम भी कुछ कथा सुनल जाओ। तो अभी कान्हा महाराज के कथा शुरू भेला। सबसे पहले यहाँ के शुरू कनी है गणेश भगवान की अर्चना करके। तो यहाँ भी हमनी के राम नाम के जयकारा लगैनी असन और इंजॉय करनी असन कान्हा महाराज के कथा। और तब तक शुरू हो गया आतिशबाजी। तो आतिशबाजी खत्म गईला के बाद ही हमनी के निकल गईनी असन वैकुंठ महाराज के प्रणाम करके अपना घर के तरफ। तो ये हमनी के ऑटो में बैठ के घर के तरफ निकल गईनी असन। तो अपना पास वाले मंदिर के पास भी थोड़ा सा सहयोग करनी है सन। ऐसे ही वीडियो कहती बना रही हमने के साथ। जय बिहार, जय बिहारी।